नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ट्रैफिक एसएसओ ने चलाया अभियान, वाहनों के काटे चालक। लोहारो ओवर ब्रिज फिर पहुंचा बदहाली की कगार पर, हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, रेलवे स्टेशन परिसर में चलाया जागरूकता अभियान। कलानौर रेलवे स्टेशन के पास सरकारी संपत्ति को चोरी करते हुए आरपीएफ ने किया रंगे हाथों चोर को गिरफ्तार। एसयूसीआई भिवानी नेताओं ने कार्ल मार्क्स की पुण्यतिथि पर दी अपनी श्रद्धांजलि। मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर राजनीति हुई तेज, ग्रामीणों का धरना सातवें दिन में हुआ प्रवेश। चरखी दादरी में जनता कॉलेज में अचानक भूकंप एवं आगजनी की मॉक ड्रिल होते ही अनेक उच्चाधिकारी एवं राहत टीम मौके पर पहुंच गई और लोगों की सहायता शुरू कर दी। से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भिवानी यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए अनेक वाहनों के चालान काटे। कागजात पूरे न होने, सुरक्षा गार्ड न लगाने, 3 सवारियों के बैठाने और हेलमेट न लगाने वाले वाहनों की जांच की गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देकर उनके चालान भी काटे गए। ट्रैफिक एसएचओ सुनील कुमार ने अभियान की विस्तृत जानकारी भिवानी हलचल की टीम को दी। आपको बता दें कि भिवानी ट्रैफिक एसएचओ सुनील कुमार ने भिवानी में यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से भिवानी के हासी गेट, घंटाघर, दिनोद गेट, बासिया भवन चौक, रोहतक गेट सहित शहर के विभिन्न भीतरी हिस्सों में भी अभियान चलाया तथा वाहन चालकों को यातायात संबंधी हिदायतें दी। इस मौके पर सुनील कुमार ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए उन्होंने यह अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि अब चालान भी महंगे हैं, इसलिए वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करेगा तो वह महंगे चालान से भी बच सकेगा तथा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा भी कर पाएगा। शहर में ऑटो के कारण बढ़ते जाम के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर के ऑटो चालकों की मीटिंग ली जाएगी तथा उन्हें सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि वे यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने ऑटो को चला सके। पानी में जो भी ड्रिंकिंग ड्राइविंग और ब्लैक फिल्म और ट्रिपल राइडिंग, इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जो गाड़ियों के आगे पीछे जो गटर लगा रहे हैं उनकी तरफ भी विशेष ध्यान है और अभी चालान भी बहुत महंगे हो गए हैं और इसलिए मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि भाई रूल रेगुलेशन से चलें और अपने भविष्य का ध्यान रखें। हाल ही में रिपेयरिंग करने के बाद भी लोहारू और ब्रिज की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गौरतलब है कि कुछ ही माह पहले पुल का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हुआ है, लेकिन इस पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। वहीं रात्रि के समय आने जाने वाले वाहनों को यहाँ ज्यादा खतरा बना रहता है। लोहारू पुल की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें कि ये ओवर ब्रिज नेशनल हाईवे नंबर 709 के द्वारा हरियाणा को राजस्थान से जोड़ता है। रोजाना इसके ऊपर लाखों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, लेकिन इस पर कोई भी भारी वाहन गुजरते समय कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। हम नहीं कह रहे बल्कि इस पुल की दयनीय हालत बयां कर रही है। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ समय पहले ही हालत खराब थी पुल की और अब पुल पर बनी सड़क भी धस गई है। वाहनों को आने जाने और भारी वाहनों को पुल पर चढ़ते हुए इस धसी हुई सड़क के न दिखने के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रात के समय पुल पर लाइटों का भी कोई उचित प्रबंध नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि प्रशासन कोई बड़े हादसे के इंतजार कर रहा है।
यहाँ पे खड्डा हो रखा है तो इसकी लोहारू और दादरी बाईपास है तो इसमें यहाँ पे प्रशासन से डिमांड है कि इस यहाँ पे कोई लाइट की विशेष प्रबंध नहीं है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। रात को साधन वगैरह आते हैं तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है ज़्यादातर, तो इस कारण प्रशासन से डिमांड है कि इसको जल्दी से इसका सुधार। ये पूरा हर बार आज दिन ऐसे ठीक कर दिया जाता है, उसके ऊपर ही मसाला डाल दिया जाता है, कुछ नहीं होता है। आते हैं और इसको ऊपर रिपेयर करके चल जाते हैं, पूरा मेटेरियल इसमें कुछ भी नहीं। आज तक ये हर बार बारिश आती है उसी में जाता है। ये रोड यहाँ से धस चुका है और जब बारिश आती है तो यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होते ही रहते हैं। ऐसी बात नहीं है एक्सीडेंट वगैरह रात दिन का काम है ना, यहाँ पे पूरे की लाइट चलती है उसमें काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर बार एक्सीडेंट देखे जा सकते हैं, आप आके देख भी सकते हो। ये जो पुल है यहाँ पे जो ये खड्डे हुए हैं इससे भारी हादसा हो सकता है, और ना ही यहाँ पे लाइट का प्रबंध है और ना ही यहाँ पे कोई फुटपाथ की व्यवस्था है, ना तो यहाँ पे लाइट सस्ती है और भारी वाहन जाते हैं तभी साधन धसने का और हादसा होने का भय बना रहता है। और यहाँ पर फुटपाथ की काफ़ी अर्सों से मांग कर रहे हैं ये दुकानदार, ना यहाँ पे फुटपाथ बन रहा है और 24 घंटे साधन चलते हैं यहाँ पे। नगर के रेलवे स्टेशन पर शनिवार को कोरोना वायरस से बचने के तौर तरीकों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन, आरपीएफ और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य अस्पताल की टीम ने पहुंचकर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी देने के साथ साथ इसके कारण एवं निदान की जानकारी भी दी। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन के द्वारा रोजाना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में शनिवार को रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ जिला सामान्य अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया तथा कोरोना वायरस से बचने के तरीके आने जाने वाले यात्रियों को बताए गए। जागरूकता अभियान में सामान्य अस्पताल के स्टाफ के साथ साथ आरपीएफ तथा रेलवे प्रशासन का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा तथा लोगों को कोरोना वायरस से बचने के बारे में विस्तार से जानकारियां प्रदान की गई। आज किस प्रकार का अभियान चलाया जाने लग रहा है? आज ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये कोरोना वायरस के संबंध में पब्लिक को जागरूक करने के लिए सामान्य अस्पताल के सहयोग से उनकी टीम के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर ये हमने अभियान चलवाया है ताकि लोगों को जागरूकता मिले, वायरस के बारे में पता लगे कि भाई लोग उससे क्या क्या सावधानियाँ हैं, क्या क्या लक्षण है उसके बारे में इन्होंने बताया काफ़ी अच्छे से, तो इस संबंध में ये कैंप लगाया गया। रेलवे बोर्ड से आदेश जारी हुए हैं कि जो पैसेंजर सब स्टेशन पे आते हैं इनको कोरोना वायरस है जो उसके लिए अवेयरनेस करना है, तो उसी के चलते हमने यहाँ के जो सामान्य हॉस्पिटल है उनसे डॉक्टर से निवेदन किया गया तो उन्होंने टीम है जो यहाँ स्टेशन पर भेजी है उनके सहयोग के साथ, जीआरपी के साथ एसएस साहब हैं जिनका काफ़ी सहयोग रहा है, सबने मिलकर के ये जो कोरोना वायरस है उसके जो लक्षण है उनके बारे में पैसेंजर्स को बताया जा रहा है, उसके क्या क्या सावधानी हम लोगों को बरतनी है उसके बारे में पैसेंजर को बताया जा रहा है। चोर कहीं पर भी चोरी कर सकते हैं, वह चाहे घर हो, दुकान हो, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन। कलानौर रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर चोरी करते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ इंचार्ज उषा निरंकारी ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल ने सूचना मिलते ही एक्शन लेते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में आरपीएफ इंचार्ज उषा निरंकारी ने बताया कि स्टेशन अधीक्षक कलानौर की सूचना पर रेलवे फाटक संख्या 24C के पास मध्य कलानौर बामला के कोई अनजान व्यक्ति रेलवे सिग्नल की केबल काट रहा है। रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ ने तुरंत रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचा। गेट ड्यूटी पर गेटमैन दीपक के बताए अनुसार एक व्यक्ति को अपने कंधे पर 24 स्क्वायर सिग्नल केबल काटकर एवं दूसरे हाथ में लोहे का दाव ले जाते हुए देखा और उसे तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम नवीन, पुत्र केदारनाथ और उम्र 25 वर्ष, निवासी नई बस्ती कलानौर बताया। रेलवे सुरक्षा बल ने उसे सामान सहित काबू कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले की जांच एएसआई सुगन चंद द्वारा की जा रही है। इस आदमी ने कल कलानौर स्टेशन के पास में एलसी गेट 24 नंबर उसके पास में सिग्नल की स्पेयर लाइन जो है केबल बिछी हुई थी 24 कोर की, उसको काट के चोरी करके ले जा रहा था, उसमें इसको अरेस्ट किया। आरोपी को किस तरह से इसका मुखबिर ने बताया था कि ऐसे करके कोई व्यक्ति है जो तार के पास में खड़ा हुआ है और उसके पास में काटने के लिए कोई औजार भी है, उसकी सूचना पे स्टाफ को भेजा और इसे काट के और लेके जा रहा था। कार्ल मार्क्स की पुण्यतिथि पर SUCI से संबंधित नेताओं ने स्थानीय नेहरू पार्क में एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर SUCI नेता राजकुमार के नेतृत्व में कार्ल मार्क्स द्वारा समाज में दिए गए योगदान को याद किया गया। उन्होंने मजदूर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी और उनका हक दिलाने के लिए और भी आगे तक लड़ते रहे।
शनिवार को स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित होकर एसयूसीआई से संबंधित नेताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। एसयूसीआई नेता राजकुमार के नेतृत्व में आयोजित बैठक में पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाले संसार के जाने माने सामाजिक नेता कार्ल मार्क्स की पुण्यतिथि पर उनके समाज के प्रति दिए गए योगदान को याद किया गया। 14 मार्च को देह त्यागने वाले नेता कार्ल मार्क्स के बारे में राजकुमार ने बताया कि उन्होंने विशेषकर मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए विश्व स्तर पर आवाज़ बुलंद की और एक नई क्रांति के सूत्रधार वो बने। इस अवसर पर उपस्थित एसयूसीआई के सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। दुनिया के महान नेता, सर्वारा के नेता कार्ल मार्क्स का आज मृत्यु दिवस है। हमारी पार्टी एसयूसीआई की तरफ से पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया के जो सर्वारा हैं, मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, जो कुछ काम करके खाने वाले लोग हैं, अपने नेता के तौर पर आज हर जगह इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इनकी श्रद्धांजलि के ऊपर वो एक ऐद कर रहे हैं ताकि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसको उखाड़ के इसकी जगह जो मार्क्स ने बताया था समाजवाद, समाज की बुराइयों का जो दर्शन उन्होंने दिए, बुराइयों के खिलाफ उन्होंने जो दर्शन दिया था उसी को अंगीकार करके समाज परिवर्तन का अंदर और ज़्यादा गति से बढ़ाएंगे और इस समाज को, पूंजीवादी व्यवस्था को बदल के इसकी जगह नई समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करेंगे। तो आज हम कार्ल मार्क्स का मेमोरियल डे मना रहे हैं और आज पूरी दुनिया में, पूरा भारत में मजदूर और मजदूरों की जितनी पार्टी, जितने मजदूरों के नेता, वो आज कार्ल मार्क्स की मेमोरियल डे को मना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान जिले के गांव प्रेमनगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज तक शुरू नहीं हो पाया है। यह कहना था प्रेमनगर में धरने पर बैठे लोगों का। वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 2018 में इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई थी। उन्होंने बताया कि आधारशिला के बाद से अब तक बिल्डिंग बनाने का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, इसीलिए वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं जिससे कि तुरंत एक्शन हो। जिले के गांव प्रेमनगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर राजनीति तेज हो गई है और यहां करीबन 7 दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं। उनका कहना था कि वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 2018 में इसकी आधारशिला भी रखी गई थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनने का मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ बताया गया कि अधिकृत 37 एकड़ जमीन पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है ताकि सरकार तुरंत इस ओर ध्यान दे। धरने प्रदर्शन के 7वें दिन इनेलो पार्टी के प्रवक्ता सुखवंत दांगी व जिला प्रधान समर्थन देने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही भवानीखेड़ा हलके के गांव चांग, मिताथल, बड़ेसरा, कलिंगा, रेवाड़ीखेड़ा, धनाना, जताई आदि गाँवों के मौजूद लोग भी धरने पर पहुंचे। इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुखवंत दांगी का कहना था कि भिवानी में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से मांग थी, जबकि गांव प्रेम नगर के पंचायत द्वारा 37 एकड़ जमीन भी मेडिकल कॉलेज के लिए दान दी जा चुकी है, परंतु सरकार के नियत में खोट नजर आ रहा है। मेडिकल कॉलेज बनाने का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, इसलिए उनकी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू करवाया जाए। पार्टी का आधिकारिक निर्णय है, चौधरी अभय सिंह चौटाला का निर्णय, उन्होंने खुद इस बात का संज्ञान लिया आपके धरने को प्रचार माध्यमों से देख करके, और उनको ये लगा कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ एक तरह से ये गलत बात है, उनको उनके हकों से अलग किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने आधिकारिक रूप से सुनील लांबा जी को और मेरे को आदेश दिया कि आप जाकर के धरने पर उसका इनेलो की तरफ से समर्थन है, उसको चौधरी अभय सिंह चौटाला विधानसभा में उठाएंगे, हर मंच पर उसको उठाया जाएगा और इनेलो पार्टी इस धरने को हर तरीके से, जिस तरीके से भी, इस धरने के संचालक हमें बताएंगे कि हमें इस चीज़ की है, अदरवाइज हम पार्टी के अपनी तरफ से करेंगे और हर प्रकार से समर्थन और इस मुद्दे को हर मंच पर उठाया जाएगा। चरखी दादरी में जनता कॉलेज में अचानक भूकंप एवं आगजनी की मॉक ड्रिल होते ही अनेक उच्चाधिकारी एवं राहत टीम्स मौके पर पहुंच गई और लोगों की सहायता शुरू कर दी। वहीं सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और अग्निशमन की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता शुरू कर दी। जिला उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने लोगों को इस जागरूकता अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चरखी दादरी में हुटर बजते ही भूकंप और आगजनी की घटना जनता कॉलेज में शुरू हो गई, जिसके बाद विभिन्न राहत टीमों को जिले के उच्च अधिकारियों के द्वारा सूचना दी गई और राहत टीम्स ने मौके पर पहुंचकर विभिन्न स्थानों से आगजनी और भूकंप से प्रभावित लोगों की सहायता की और उन्हें मेडिकल कैंप तक पहुंचाया।
मेडिकल कैंप में जहां डॉक्टर्स की सहायता से पीड़ितों को चेक किया गया, वहीं समय रहते गंभीर चोट से पीड़ित लोगों को दूसरे अस्पताल में भी रेफर किया गया। इस दौरान देखने को मिला कि हॉस्पिटल के सभी एम्बुलेंस और अग्निशमन विभाग के सभी फायर ब्रिगेड सूचना मिलते ही तुरंत हरकत में आ गई और भूकंप एरिया में और आगजनी हुए जगह में तुरंत पहुंचकर इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं को भूकंप और आगजनी के किस तरह से बचा जा सके इस बात की ट्रेनिंग भी दी गई। टेबल पड़ी हो, बेंच हो, डेस्क हो, बैग है स्कूल का, अगर बीम है तो गेट के नीचे खड़े हो सकते हैं क्योंकि बीम जो है सीधा नहीं आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि लंबा ज़्यादा होता है, इसलिए दीवार पूरी ऐसे खड़ी खड़ी बिल्डिंग कम ही गिरती है। स्पोर्ट्स के जो पिलर्स हैं उसके पास, उनके पास चले जाए, पिलर्स जो है उनके पास खड़े हो जाए, इस तरह से आपने अपने आप को बचाना है। सिर को सेफ जरूरी करना, डेस्क के नीचे जाए, बेंच के नीचे जाए, बैग के नीचे जाए, घर में भी कभी ऐसी स्थिति आए। ये दादरी हमारा नया जिला है और FCR के ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस थे कि मॉक ड्रिल की जानी है सभी ज़िलों में, तो ये ओवरड्यू थी और हमने सभी विभागों की बैठक बुला के हम सोचा कि एक हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है कोई भी डिजास्टर के प्रति और उसमें हमारा एक कितना रेस्पॉन्स टाइम है उसको चेक करने के उद्देश्य से, लोगों को सेंसिटाइज करने के पर्पज़ से जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शनरीज हैं, बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी एक प्रिपेयर्डनेस चेक हो जाए एक्चुअल जो एक सिमुलेटेड कंडीशन में और एक्चुअल कंडीशन में दोनों में, तो कितने देर में एम्बुलेंस को कॉल होता है तो कितने देर में एक स्पॉट पर पहुँचती है। सिमिलरली फायर ब्रिगेड का है और जो भी इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स का, उनका रेस्पॉन्स टाइम चेक करना और जो जो भी हमारी तैयारी में यदि कुछ खामी है वो सिस्टम से यदि प्रॉपर प्लेस में नहीं है उनको दुरुस्त करने का भी ये हमने सोचा कि ये दिस इज़ द राइट टाइम, तो उसी के तहत हमने ये मॉक ड्रिल का आयोजन आज यहाँ पे जनता कॉलेज में किया है, तो जिसमें CMO साहब ये रेड क्रॉस की तरफ से और CPR के लिए स्पेशली हमने गुड़गांव से टीम बुलवाई है। ये बेसिक सी लाइफ सेविंग टेक्निक्स हैं जो हम सबको आनी चाहिए, तो जितने भी ज़िले के अधिकारी हैं और जितने आम जन तक हम पहुंच पाएँ, हमारा मकसद तो यही है कि जैसे ये डमीज वगैरह हम प्रोक्योर करके स्कूल्स में, पंचायत्स में और जहाँ जहाँ पे है पब्लिक का जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जैसे स्पेशली पुलिस होती है रोड पे और ऑफिसर्स मान लो भी फील्ड में, तो उनको भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए, उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे आगे आने वाले समय में। और ये काफ़ी आज के जो हमें इसमें कुछ खामियां यदि हमें नज़र आई हैं तो सभी विभाग बैठ के और उसकी समीक्षा करेंगे, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, कौन कौन से हमारे पास इक्विपमेंट्स का अभाव है उनको भी प्रोक्योर किए, और आने वाले समय में ऐसे और भी ड्रिल्स आपको देखने को मिलेंगी रियल लाइफ कंडीशंस में। मैं सुमित लाठा YRC का वॉलंटियर हूं मैं और जनता महाविद्यालय का स्टूडेंट हूं। आज हमें यहां पर एक मॉक ड्रिल के माध्यम से अचानक आपदाओं से हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में सभी वॉलंटियर को बताया गया और बच्चों ने बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रदर्शन करके अपनी जो शिक्षा थी उसका प्रदर्शन किया और किस प्रकार से आपदाओं में हम एक यूनिटी बनाकर और इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनकर किस तरीके से उन पर जल्द से जल्द उन पर काबू पाएं और जो घायल व्यक्ति हैं उनको हम कैसे एक फर्स्ट एड दें और कैसे उन्हें अस्पताल तक पहुंचाएं, ये सब चीज़ें हमें आज यहाँ सीखने को मिली। यहाँ पे भूकंप आ गया था जिसकी वजह से हम क्लासों में फंस गए थे, इन्होंने फर्स्ट एड वालों ने हमारी बहुत हेल्प करी, रेड क्रॉस वालों ने भी हमारी बहुत हेल्प करी, इन्होंने हमें प्रेफर भी किया, प्रेफर करके अब मैं यहाँ ठीक हूँ, हॉस्पिटल लेके गए थे पट्टी वगैरह की, अब मैं ठीक हूँ। जब आज हम कॉलेज आए थे तो एकदम से
बीच में भूकंप आ गया, तो उसके बाद जो हमें बताया गया था ना, फिर हमने वो किया, हम नीचे बैठ गए और दीवार के साथ टच कर करके हम बाहर निकले। उसके बाद रेस्क्यू टीम आ गई और उसने हमारी पूरी तरह से मदद की। क्या रेस्क्यू टीम टाइम से पहुंच गई थी? हाँ, लगभग टाइम से ही पहुंच गई थी, बाकी उससे पहले जो हमें बताया गया था ना वो हमने कर दिया था। मॉक ड्रिल होनी थी तो उसमें अंदर भूकंप का दिखाया गया। भूकंप में जब देखा, हम जाए क्लासरूम में देखा तो बच्चे बेंच के नीचे अपने आप सर को कवर कर बैठे हुए थे। तो हमारा सबसे पहले मोटिव था कि दीवार के साथ साथ चलकर सबसे पहले कैजुअल्टी को ढूंढना। कैजुअल्टी को ढूंढने के बाद हमने उनको रेस्क्यू किया, उनको स्ट्रेचर पर ले जाकर हेल्प की, बाद में यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए रख दे दिया, फिर वहाँ पर रेफर कर दिया। और आज हमारे कॉलेज में मॉक ड्रिल के माध्यम से विभिन्न आपदाओं से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं वो सब बताया गया। पहले यहाँ पर आग लगाकर उसको फायर ब्रिगेड वगैरह से बुझाया गया, और जब हम अंदर गए तो वहाँ पर बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे, उनको किसी को पैर पे चोट लगी थी, किसी को हाथ पे लगी थी, किसी को सर पे, तो हम सब ने उनकी हेल्प करके पहले उनको फर्स्ट एड दी गई, और उसके बाद अगर कोई ज़्यादा सीरियस था तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम से दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ट्रैफिक एसएसओ ने चलाया अभियान, वाहनों के काटे चालान। लोहारो ओवर ब्रिज फिर पहुंचा बदहाली की कगार पर, हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, रेलवे स्टेशन परिसर में चलाया जागरूकता अभियान। कलानौर रेलवे स्टेशन के पास सरकारी संपत्ति को चोरी करते हुए आरपीएफ ने किया रंगे हाथों चोर को गिरफ्तार। एसयूसीआई भिवानी नेताओं ने कार्ल मार्क्स की पुण्यतिथि पर दी अपनी श्रद्धांजलि। मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर राजनीति हुई तेज, ग्रामीणों का धरना सातवें दिन में हुआ प्रवेश। चरखी दादरी में जनता कॉलेज में अचानक भूकंप एवं आगजनी की मॉक ड्रिल होते ही अनेक उच्चाधिकारी एवं राहत टीम मौके पर पहुंच गई और लोगों की सहायता शुरू कर दी। हमारे इस सेगमेंट में बस इतना ही। अगले इंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।